For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. For the record. Price on y'all, snake eyes on dice for y'all, shoulders on ice for y'all, 86 all the hate, I woke in a bar today, got lost in the ballin' age, I'm flipping the bars, I'm flipping the flippin' the flippin' the on record, off record, I still count wins when they got it, on record, off record, I let them take advantage, I was wildin', on record deals, tell them talk to Colin for the quote, on record, I... What's up beautiful people, welcome back to our YouTube channel. आप सबका स्वागत है एक नए फ्रेश व्लॉग में. गाइस आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम जा रहे हैं बिठूर और हम करेंगे एक रोड ट्रिप और मेरे साथ में मेरे दोस्त भी हैं, वो पीछे देख सकते हैं सब खड़े हैं. तो टाइम नहीं वेस्ट करके चलिए चलते हैं. तो गाइस पहुंच गए हम अपनी लोकेशन पे. ये है बाबा का मंदिर बिठूर में. तो चलिए चलते हैं अंदर, आपको भी दर्शन कराएंगे. तो गाइस अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ उसका नाम है ब्रह्मवद घाट और इस जगह के बारे में आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है मैं बताना चाहूँगा. ये घाट अर्थ का सेंटर है, अर्थ के अपने सेंटर की सेंटर जो है अर्थ का वो ये घाट है. तो बहुत ही अमेजिंग जगह है, ये बिठूर में है, कानपुर से 20-25 किलोमीटर दूर है. तो ज़रूर आइएगा. तो भाई पहुंच गए हैं अपने मेन मंदिर के पास. तो चलिए अंदर दर्शन करके आते हैं. तो गाइस दर्शन कर लिए हमने मंदिर में और मंदिर के जस्ट बगल में ही एक बहुत ही सुंदर घाट बनाया, अब हम वहां पर आए हैं. तो गाइस दर्शन कर लिए हैं, अब हम निकल रहे हैं घाट से और बड़े एक और कमाल की जगह. तो चलिए चलते हैं. तो गाइस पहुंच गए हैं अपनी सेकंड लोकेशन पे जो कि है लवकुश आश्रम और यहीं पर सीता माता की रसोई है. तो चल यहाँ पे आने का कोई प्लान तो नहीं था पर हम बिठूर आए थे और रास्ते में था तो सोचा क्यों ना यहाँ पर भी आ जाए. तो गाइस इस जगह के बारे में आपको थोड़ा बता दूँ, ये है लवकुश आश्रम और ये बिठूर में है. और जब सीता माँ को लक्ष्मण जी छोड़ने आए थे अयोध्या से जब निकले थे छोड़ने तो वो यहीं पर छोड़ के गए थे बिठूर में. यहीं पे लवकुश का जन्म हुआ था और यहीं पे सीता माता समाई थी. तो बहुत ही पावन स्थल है ये, बिठूर में है. तो अब जा रहे दर्शन करने और आपको दर्शन जाएंगे. चलिए वाल्मीकि जी का स्थान है जहाँ पे वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना किए थे वो जगह है. यहीं पे बैठ के मरा 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 का जाप किए थे. बगल में ये वाल्मीकि जी की प्राचीन मूर्ति है जब ये लोगों को मारा करते थे, छीना करते थे. ये अंदर कुटिया है जहाँ पे माता वन देवी के रूप में रही थी. ये स्थान है जहाँ पे सीता जी धरती के अंदर समा गई थी, लड़ाई होने के बाद धरती में चली गई थी. अच्छा, ये सामने जो लिखी आप देख रहे हैं वाल्मीकि जी की मूल रामायण है, इसी के अनुसार वाल्मीकि जी ने पूरी रामायण की रचना की थी. बगल में ये रसोई घर है जहाँ पे माता जी ने भोजन बनाया था. तो गाइस ये है सीता रसोई, देख सकते हैं आपके सामने. यहीं पे सीता माता
खाना वाना दी थी। बगल में उधर पेड़ है जिस पेड़ के नीचे वाल्मीकि जी ने बैठ कर तपस्या किया था, साधना किया था। अच्छा, यही एक पेड़ है जो सबसे पुरानी चीज है। कितने साल पुराना? ये बहुत पुराना पेड़ है, इसकी उम्र किसी को नहीं पता है। अच्छा, इस वृक्ष की ये विशेषता है, जैसे हम अपने पुराने कपड़े उतारते हैं नए पहनते हैं, ठीक इसी क्रम से ऊपर का फेस देखिए आपका पूरा खत्म हो रहा है, वो अंदर देखिए तैयार हो रहा है, अंदर ही अंदर पूरा नया पेड़ तैयार हो जाएगा और कभी आपको उससे पतझड़ नहीं मिलेगा। आप किसी मौसम पे आएंगे ऐसे हरा पेड़ देखने को मिलेगा। और जिसके द्वारा लोग बिठूर घूमने आते हैं, जिसके द्वारा ये सबसे बड़ा तीर्थ कहा गया पुराणों में, तो पहला तो स्थान है आपका ब्रह्मावर्त घाट है, जो यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर गंगा के किनारे पर है। वहाँ पे कील लगी हुई है, खूंटी देखी आप लोगों ने? आज तो पानी था, पहले देखी मतलब जी। वो खूंटी जो है पूरे पृथ्वी का बीचों बीच केंद्र बिंदु, सेंटर पॉइंट जिसको बोलते हैं, वहीं पे मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ था। फिर उसी से थोड़ा और आगे आप जाएंगे तो एक पड़ेगा ध्रुव टीला, जहाँ भगवान ध्रुव जी का जन्म हुआ है। तीसरा ये वाल्मीकि मुनि का आश्रम है, जहाँ पे वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की और ज्ञान प्राप्त हुआ है। चौथा नीचे गेट के पास है लवकुश जन्मभूमि, जहाँ लवकुश का जन्म हुआ था और वहीं हनुमान जी को बांध लाए थे लव और कुश, तब सारा भेद और परिचय खुला था। तब भगवान राम ने माता सीता जी का घर चलो, तब सीता माँ ने कहा कि नाथ एक धोबी कहने से आपने निकाला, आपकी प्रजा ने कलंकित किया, अब हम कौन मूल्य के अयोध्या वापस चले। तब उन्होंने धरती माँ से प्रार्थना की, धरती फटी, सिंहासन निकला, मैया भूमि में प्रवेश हो गई, वो स्थली यहाँ पे। सीता जी जो है वन देवी के रूप में रही थी, बीच में माता सीता जी है, दाहिने हाथ में लव है, बाएं हाथ में कुश है, यही पे माँ जो है वन देवी के रूप में जानी जाती थी। बाहर से दिख रहा है वहाँ जो रसोई में सामान रखा है, तो गाइस अब हमने दर्शन कर लिए और अब हम निकल रहे हैं वापस घर के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं यहाँ पे पहली बार आया था और मेरे को यहाँ पे आके इतना अच्छा लगा। अगर आप बिठूर आ रहे हैं तो यहाँ पे दर्शन ज़रूर करें। तो इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करो, जरूर करें हमारे चैनल को। जल्दी मिलेंगे एक नई कमाल की।